एक बार फिर से आपका स्वागत है भला किड्स में। देखिए सर जो है अभी कोई काम से बिजी है, थोड़ा पर्सनल वर्क चल रहा है उनका, तो वो जो है अभी वर्कशीट नहीं बना सकते, समझा नहीं सकते। इसलिए जो है मैं आपको जो है ये वर्कशीट जो है आप देख रहे हैं इसके सोल्यूशन में आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो अभी जो है एक हफ्ते के लिए परेशानी रहेगी, एक हफ्ते बाद जो है सर आपको जो है अच्छे से वर्कशीट समझाएंगे क्वेश्चन विद आंसर के साथ। तो अभी के लिए जो है आपको जो है सिर्फ ओनली आंसर ही दिखेंगे, ठीक है। तो फटाफट से जो है मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ। देखिए पहले आप देख लीजिए, ये हिंदी की वर्कशीट रहेगी, कक्षा छठी की वर्कशीट नंबर 12 रहेगी और 13 अगस्त की रहने वाली है, ठीक है। इसके जो आपको उतारना कैसे वो आपको बता देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको पूरा लिखना है, ये मैचिंग है, ठीक है। तो आपको मैचिंग पूरी करनी है, ठीक है। देखिए पहले जो है आपको संतोषी से संतोष करने वाली से मिलाना है, बूंदे वन बाबा पुराने घने जंगल, विजन से प्यार एकांत से प्यार, दूध भरे झुंडी के दाने आपको इससे ऐसे मिलाना है, ठीक है, ज्वार के कच्चे दाने से। दूसरा क्वेश्चन जो है ये मैंने इसका आंसर यहाँ लिखा हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। देखिए और जो तीसरे का है इसका आंसर ये लिखा हुआ है, विजन किससे कहा गया है, तो विजन एकांत को कहा गया है, ठीक है। चिड़िया विजन से प्यार क्यों करती है, चिड़िया विजन से प्यार करती है क्योंकि उसे एकांत में रहना अच्छा लगता है। चौथे जो है क्वेश्चन ये आंसर है, चिड़िया बूढ़े वन बाबा तथा उसके वृक्षों के लिए मधुर गीत गाती है, ठीक है। और जो पाँचवें का है, पाँचवें का मैंने नेक्स्ट पेज पर करा हुआ वो देख लेते हैं। इसमें जो है मैना कौवा कबूतर बतख तोता गुरैया और मोर के बारे में बताया, ठीक है। तो ये सारी मैंने टाइटल लिखे हुए हैं, फटाफट से देखते हैं। ये देखिए ये जो है पाँचवें का है उत्तर, पूरे पाँचवें के रहेंगे, ठीक है, जिसमें मैना है कौवा कबूतर, इसके सारी डेफिनेशन लिखी हैं कि कबूतर जो है स्लेटी रंग का होता है, बतख सफ़ेद रंग की होती है, तोता लाल चोंच होती है तोते की, और शरीर जो है उसका हरा होता है, ठीक है। तो ऐसे जो है इन सबके बारे में हमें लिखना है, तो आप जो है इसका आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब जो है एक क्वेश्चन लास्ट रह गए हैं वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए इसके बारे में हमें लिखना था, कविता लिखनी है अपनी मनपसंद की चिड़िया के बारे में, तो उसका जो है मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ, ठीक है। तो आपको जो है ऐसे ही नोट करना है, पहला आपको ऐसे लिखना है, फिर क्वेश्चन फिर आंसर फिर क्वेश्चन फिर आंसर फिर क्वेश्चन फिर आंसर, और फिर जो है ये आपको उसके ऐसे पूरा क्वेश्चन लिखना है ये वाला, ठीक है। उसके बाद आपको ये जो है कविता लिखनी है पूरी, तो आप ऐसे भी उतार सकते हैं। बस आप फिर को ऐसे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, जितना हो सके शेयर करना जिससे कि औरों की भी हेल्प हो जाए। और पूरी मैंने पूरी वीक की वर्कशीट के सोल्यूशन डाल दिए ऑलमोस्ट, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो आपको यहाँ के आमने सामने जो है एक बटन आएगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप पहुँच जाएंगे प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो आज के लिए इतना बहुत है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।